तो सर जिस मुर्गी के ऊपर मैं निशानी लगाया हूँ ना, उसको अच्छे से देखिए मेरे भाई, ताकि आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको ये बता रहना है कि मुर्गी जब एक बार अंडे देकर अंडे उसके बंद हो जाते हैं, तब इस तरह से खुड़क बैठ जाती है ना वो, जहाँ पर अंडे दिए वहाँ पर। ये मुर्गी को अगर से हम अंडों पर नहीं बिठाएंगे तो दोबारा कितने दिन में अंडा देना चालू कर देगी ये मुर्गी, ये जानना बहुत ज़रूरी रहेगा मेरे भाई। यही जानकर आप कितने मुर्गियों में कितने अंडे निकाल सकते हो ये जान पाओगे, ताकि एक अंडा निकलने के लिए अपन को दो मुर्गियां चाहिए या तीन मुर्गियां चाहिए या चार मुर्गियां चाहिए, प्योर ओरिजिनल देसी की बात बता रहा हूँ, ये जान पाओगे। चलिए आज का डेट, ये अंडे देना ख़त्म हो गया है इसका, और आज डेट कितना है मैं स्क्रीन पर बता रहा हूँ, जिस दिन मैं ये वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ वो डेट, यानी ये खुड़क बन गए सो डेट, अंडे पूरे देना कम्प्लीट हो जाकर। दोस्तों अभी ये वीडियो क्लिप 18 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, ये मुर्गी अंडा दिए जैसा कर कर आकर आ गई है, तो देखते हैं ये अंडा देगी या नहीं। अभी देखिए यहाँ पर चेयर के नीचे अंडा दिए, तो आज डेट कितनी है 24 सितंबर, 18 दिन बाद अंडा दिए दोस्त। यानी अभी अपन को क्या पता चल रहा है ये वीडियो में, अगर से हम मुर्गी को अंडों पे नहीं बिठाए, जैसा एक मुर्गी के साथ एक अलग से रूम में डाल देंगे एक 3 दिन के लिए, उसके बाद बाहर छोड़ देंगे, तो उसकी जगह पे जाकर नहीं बैठेगी वो। अगर से बैठ गई तो और 2 दिन एक्स्ट्रा डालेंगे रूम में मुर्गी के साथ, फिर खोल देंगे अपन तो बाहर खाने पीने लगेगी। बस यहाँ पे याद रखना है आपको एक बात की, मुर्गी जहाँ पर अंडे दिए फिर वहाँ ही पर जाकर नहीं बैठना है, तब जाकर उसका खुड़क छूट जाएगा और मुर्गी से क्रॉस होगी, 18 दिन के अंदर अंडा देगी। मान लो 20 ही दिन लगा रही है, ठीक है ठीक है। अभी कुछ मुर्गियाँ ऐसे भी रहते हैं कि थोड़ा ओल्ड मुर्गियाँ रहते हैं, 3 साल के मुर्गियाँ ऐसे, वो 30 दिन भी लगा रहे हैं मान लो टाइम, तो यहाँ पर अपन को 3 मुर्गियों में डेली कंटिन्यू एक अंडा निकलेगा दोस्त। तो इसको बहुत सारे ट्रिक्स रहते हैं मेरे भाई, ऐसे नहीं कि भाई 3 मुर्गियों में आप एक अंडा निकलेगा बोले हो, हमारे पास तो 30 मुर्गियाँ हैं डेली 10 अंडा निकलना चाहिए, कहाँ हैं 10 अंडे फिर कहकर पूछ सकते हो, ऐसे नहीं मेरे भाई। बहुत कुछ सीखना पड़ता है अपन को, विम्ब्रोल इस्तेमाल करना पड़ता है, कैल्शियम इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके साथ साथ मुर्गा क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी देखना पड़ता है, क्रॉसिंग वाले मुर्गे के साथ क्रॉस कराना पड़ता है मुर्गी को, मुर्गी का खुड़क जल्दी से हटाना पड़ता है, छुड़ाना पड़ता है जब अंडा लास्ट अंडा दिए वो पहचान कर। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मेरी प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ मैं, ताकि आपको ये याद रहे कि सिर्फ एक चीज़ से मुर्गी पालन पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। मुर्गी जब 15 अंडे देकर जहाँ पर दिए वहीं पर खुड़क बैठ जाएगी वो, तब क्या करना है अपन को, वो मुर्गी को उठाना है वहाँ से, पेट के नीचे थोड़ा सा गीला करना है, उसके पेट की गर्मी दूर करना है अलग जगह पे, यानी वो जहाँ पर अंडे दिए वहाँ पर 3 दिन तक नहीं जाने देना है उसको, अलग रूम में मुर्गे के साथ रखना है। अगर से मुर्गा क्रॉस कर दिया है तो बहुत जल्द अंडों को आएगी, इसके साथ साथ ऑस्ट्रोवाइट विम्ब्रोल भी मिलाना पड़ता है, मिलाकर पिलाना पड़ता है आपको, पानी में दे देना पड़ता है, और अच्छे से फीड भी देना पड़ता है। सिर्फ हम जवारी दे दिए, कनकी दे दिए, ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई, क्वालिटी का फीड, यानी बाजरा हो जाए, सोयाबीन हो जाए, थोड़ा सा कोंडा हो जाए, और अलग अलग घी हो जाए, ज्वारी हो जाए, इस तरह के पूरे मिले हुए फीड हो जाए, या फिनिशर लेयर मैश, इस तरह के थोड़े से फीड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है मेरे भाई। तो आप सिर्फ भाई 3 मुर्गियों में तो आप एक अंडा बोले हो, मेरे पास 30 मुर्गियाँ हैं, 10 अंडे डेली निकलना है, तो ये पूरे प्लानिंग्स अपन को करना है मेरे भाई। तो अभी हम ये पूरे प्लानिंग करें, आप भी अगर से मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो, मेरे हर एक वीडियो देखते हुए आ रहे हो, तो आपको भी पता होगा किस तरह से मुर्गी खुड़क छुड़ाना है, उस तरह से आप छुड़ा ले रहे हो, अच्छा खिला रहे हो, मुर्गी को क्रॉस करा रहे हो, तो एक मुर्गी 20 दिन के अंदर अंडा दे रही है। अगर से हम मान लेते 30 दिन के अंदर भी अंडा दिए ना, 3 मुर्गियों में एक अंडा निकलेगा मेरे भाई, तो 30 मुर्गियों में 10 अंडा, 60 मुर्गियों में 20 अंडा, 90 मुर्गियों में 30 अंडा, प्योर ओरिजिनल देसी बता रहा हूँ दोस्त, जो गांव में पलती है वो मुर्गी, जो अंडों पे बैठती है बच्चे निकाल लेती है वो मुर्गी की बात कर रहा हूँ मैं, ना ही सोनाली की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, RIR की, FFG क्रॉयलर की, DP की ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं ओरिजिनल देसी की कर रहा हूँ। आप बोलोगे कि भाई हमारे पास कमेंट में ऐसे भी कर रहे हैं थोड़े भाई, कैसे कि भाई हमारे पास 100 मुर्गियाँ हैं 60 अंडा निकल रहा है, वो कमेंट पढ़ लेकर बहुत सारे भाई क्या कर रहे हैं, 100 मुर्गियाँ हम ओरिजिनल ला लेंगे गाँव में फिर कर, तो 60 अंडा अपना कंटिन्यू निकलेगा,
तो वो अंडे को बेचेंगे, बिजनेस करेंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखिए आप पहले रिसर्च करिए, आप रिसर्च नहीं कर रहे हो तो जिस तरह से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे जैसा जो भी भाई रिसर्च कर रहे हैं उनके वीडियोस देखकर आप अच्छे से सीखकर पोल्ट्री फार्मिंग करिए, अगर से नए भाई हो तो आप। तो अभी तक अपन को क्या मेन वैल्यूबल टॉपिक समझ में आई है दोस्त? यानी एक मुर्गी को हम जब वो पूरे अंडे दे देती है एक सीज़न के, यानी एक से लेके 15 हो जाए, एक से लेके 12 हो जाए या 18 के बीच में अंडे देती है ना, दिए के बाद लास्ट दिन वहीं पे बैठ जाती है वो, वहाँ पर अंडे ख़त्म हो जाते हैं उसके। फिर दोबारा से हम अगर से अंडों पे नहीं बिठाए तो कितने दिन में खुड़क, फिर दोबारा से अंडा दे रही है वो, 18 से 20 दिन के अंदर अंडा दे रही है, कहकर हमें यहाँ पर डिटेल से पता चल रहा है मेरे भाई। ये रिसर्च के लिए आपका एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कॉमेंट तो बनता है ना मेरे भाई। तो सब प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी के चूज़ों की डिलीवरी देना है आज, 30 चिक्स। एक बार वो चिक्स को देखे, इसकी चोंच भी निकल रही है, वीडियो में उतना अच्छे से दिखाई दे रहा है नहीं पता आपको, पर फिर भी मैं उससे जितना हो सकता है उतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्लैरिटी के साथ। दो हो गए और यहाँ पर देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, आपको दिखाई दे रहे हैं कितने मस्त एक्टिव में है। ये 30 चूज़ों को हम सेल कर रहे हैं, ऑलरेडी बुकिंग हो चुके हैं। अगर से आपको भी इस तरह के बैचेस चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, जल्दी से बुकिंग कर लीजिए दोस्त। बुकिंग कर लेने के लिए क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप पे जाना है, भाई हम यहाँ से, यानी आप हैदराबाद से हो तो भाई हम हैदराबाद से, हमको 30 चूज़े चाहिए या 50 चूज़े चाहिए या 100 चूज़े चाहिए इस तरह से, या आपको एक 10 मुर्गी चाहिए या 20 मुर्गी या 50 मुर्गी, इस तरह से आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो दोस्त डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जाकर, ठीक है। अभी तो ये परफेक्ट 25 दिन के चूज़े हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको कितने मस्त हैं, सारे के सारे एक्टिव, एकदम परफेक्ट, एक भी कमज़ोर नहीं दिखेगा इसमें। अपना 50 का बैच भी एकदम एक्टिव है, इसमें से भी कुछ भी कमज़ोर नहीं है। और यहाँ पर देखिए कुछ चूज़े यहाँ पर भी है अपने, एक 10 दिन के चूज़े है, 8 से 10 दिन के चूज़े, एकदम परफेक्ट है ये भी। तो ये कितने रहेंगे, ये भी 20 से 22 चूज़ों के करीब रहेंगे दोस्त। इसमें अपना असील का देखिए यहाँ पर है, तो ये असील का नहीं बेचेंगे अपन, असील को अपन ही पाल लेंगे, बाकी के चूज़े यहाँ पर रहेंगे। तो सर अभी चूज़े देखे हो ना, वो चूज़ों को पैक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरह का कॉटन ला लिए। तो आपको पैकिंग किस तरह से करके देना है, देखिए मजबूत कॉटन है, घट कॉटन है, तो इस तरह का एक मजबूत कॉटन ले लेना है, लेकर इसे देखिए किस तरह से होल्स मारना है। चाबी ले लीजिए एक, इस तरह से यहाँ पर चुबा दिया हूँ मैं, सीधा नीचे खींचिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे होल्स डालोगे आप तो चूज़ों को अच्छी तरह से हवा जाएगी और वो सारे चूज़े एक्टिव रहेंगे, जहाँ तक जाएंगे वो ट्रैवल करेंगे वहाँ तक, लगभग 24 आवर्स तक तो कुछ भी खतरा नहीं रहता है, अगर से कुछ भी ना खिलाए ना पिलाए तो भी, उसके बाद आप 24 आवर्स से ज़्यादा जर्नी कर रहे हो तो थोड़ा सा दाना भी डाल देना है इसमें, दाना डालकर स्टार्टर फूड डालकर थोड़ा सा बीच में एक छोटा सा एक टप में एक गिलास में किस में भी पानी रख दे सकते हो, इस तरह से अच्छे से होल्स मारना है। देखिए मैं किस तरह से मार रहा हूँ ताकि चूज़ों को ऑक्सीजन अच्छे से जाए अंदर, तो ये लीजिए, और ज़्यादा छोटे चूज़े हैं आपके पास तो थोड़ा होल्स कम मारिए, इतने ज़्यादा मत मारिए, बड़े मत मारिए, छोटे छोटे मारिए, ताकि वो मुंडी बाहर रख कर देखेगा बाहर क्या चल रहा है, अगर ऐसे नहीं है छोटे रहते हैं ना उनकी मुंडी, छोटी सुराख में भी मार जाती है, इसीलिए थोड़ा सा आप चूज़ों को बेच रहे हो ये मैटर नहीं करता है मेरे भाई, वो भाई के पास कितना हिफाजत से जा रहे हो, सेफ्टी से। अगर से आपके पास मान लो आप एक को 50 चूज़े दे रहे हो, 30 चूज़े दे रहे हो, दिए के बाद वो भाई के पास गए के बाद वो अच्छे से रहेंगे ना,
एक कम से कम एक दो दिन तो भी अच्छे से रहेंगे तो उनको पता चल जाएगा भाई अच्छे चूजे दिए हमें। अगर से वो उनको पालने नहीं आए, अगर थोड़ा कमज़ोर भी हो रहे हैं तो समझ जाएंगे कि हमारी ही कुछ गलती है, यानी उनकी ही कुछ गलती है पालने नहीं आकर कुछ कमज़ोर हो रहे हैं कहकर। बट 99% ऐसा नहीं होगा मेरे पास से जो भी भाई खरीद रहे चूजे, क्योंकि मैं उनको पूरा गाइडेंस दूंगा किस तरह से पालना है क्या करना है। तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ना, दिक्कत हो जाए ना, डायरेक्ट मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर लेंगे, भाई ऐसा हो रहा है क्या करना है, भाई ऐसा करो बोल दूंगा, उसका प्रॉब्लम का सलूशन तभी निकल जाएगा। तो पूरे इस तरह से होल्स मारना है इधर और ये साइड, दो साइड एकदम परफेक्ट रहेंगे फिर। अभी चलिए, अभी ये भाई को मन्ने उड़े पे डिलीवरी दे दे रहे हैं दोस्त हम।